इस वक्त हमारे साथ एनडीए के प्रत्याशी पाकुड़ से और आजसू के प्रत्याशी हैं, आजसू से टिकट मिला है अजहर इस्लाम जी हमारे साथ मौजूद है। अजहर इस्लाम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वाइस को। अजहर इस्लाम जी आपका चैनल को सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और सर एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज आपने एक जनसभा की, जनसभा में भी काफी लोग दिखे, तो सबसे बड़ी चीज ये कि आप जा रहे हैं क्षेत्र के अंदर, किन मुद्दों को लेकर एक प्रत्याशी के रूप में, एक भाई के रूप में, एक बेटे के रूप में आप जाएंगे जनता के बीच में और जनता से वोट मांगेंगे? देखिए सबसे पहले हमारे पाकुड़ विधानसभा में अगर विकास का बात किया जाए तो किसी भी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ है। विकास हुआ है उन लोगों का, दलाली का विकास हुआ है, जो रोड बना है जो 4 महीना बाद रोड उखड़ के चला गया है, नाली बना है नाली उखड़ के चला गया है, पोखर बना है जो 80 फुट का पोखर खोदने का जगह है वह 20 फुट पोखर खोदा गया है, जहाँ पर 50 पोखर का योजना आया है जिसमें से 10 ही पोखर खोदा गया है। तो हम लोग का अगर एनडीए की सरकार बनती है तो एक एक चीज को जांच कराएंगे और सबके ऊपर में कानूनी कार्रवाई करेंगे। और जहां तक बात रही विकास की, तो यहां पर ना ही शिक्षा का व्यवस्था है, ना ही आपका मेडिकल का व्यवस्था है, ना ही आपका बिजली का व्यवस्था है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पानी का। अभी किसी भी पंचायत में चला जाइए, हर पंचायत में पानी का किल्लत है। यहाँ तक भी आपको एक दो पंचायत हम ऐसा दिखाएंगे जो गांव के लोग पोखर का पानी को पीता है। ये सबसे दुखद की घटना है, सबसे दुखद भरी जिंदगी बात है कि हमारे ग्रामीण विकास मंत्री जो ग्रामीण का विकास के लिए थे और हमारा विकास आज आंधार हुआ है, रोशनी नहीं है गाँव में। आप जब हम पैदल यात्रा कर रहे थे तब हमको पता चला कि हमारा पाकुड़ विधानसभा में हमारे मंत्री जी कितना विकास किए हैं। ये हमारे जो 23 नवंबर को जो वोट होगा इसका जवाब हमारे जनता, हमारे माँ बहन, हमारे भाई लोग सही से हमारे मंत्री को जवाब देंगे कि उन्होंने क्या विकास किया है। सर एक चीज और भी, आपने अस्पताल की बात कही थी, यहाँ पर अस्पताल की बात कर रहे थे, रेफर बन गया है, एक मौत का एक अड्डा सा बन गया है, कई लोग इसकी बात कर रहे हैं हॉस्पिटल की, तो आखिर इस हॉस्पिटल को सही कब होगा और कैसे सही होगा, इसके लिए क्या कोई काम नहीं किया? देखिए मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूँ, ऐसा तो नहीं कि मेरा सदर हॉस्पिटल में पैसा नहीं आता, एस्टिमेट नहीं आता है, सरकार का पैसा तो आता है। और सरकार का जो पैसा है वो आखिर पैसा किसका है? हमारे गरीब माँ बहन का पैसा है। एक नमक का पैकेट भी खरीदता उसमें भी टैक्स देना पड़ता हम लोग को, तो आखिर तो जनता का पैसा ही जनता के यूनियन जनिया के डेवलपमेंट के लिए आता है। तो ऐसा क्या सिस्टम है जो आज तक हमारा सदर हॉस्पिटल का सिस्टम सही नहीं हुआ? आज तक हमारा सदर हॉस्पिटल में एक आईसीयू का व्यवस्था नहीं हुआ है। कोई अगर सीरियस पेशेंट रात को 12 बजे जाता तो यहाँ डॉक्टर अवेलेबल नहीं मिलता है और उसको बंगल रेफर कर दिया जाता है। हम पूछना चाहते हैं यहाँ का स्थानीय विधायक, स्थानीय मंत्री से कि आखिर ऐसा कौन सा टैक्स है जो हमारे यहाँ का गरीब जनता, हमारा माँ बहन वो टैक्स नहीं देता, हर बंगल वाला वो टैक्स देता है, जिसकी वजह से यहाँ प्रखंड है, मेरा बगल में प्रखंड में आईसीयू है और हमारा पाकुड़ एक जिला होने के बाद एक आईसीयू नहीं है और आदमी को कितने आदमी रास्ता में जाते हैं तो मौत के घाट उतर जाता है। तो हम पूछना चाहते हैं हमारे यहाँ का विधायक से, यहाँ का मंत्री से कि आखिर वो पैसा जाता कहाँ है, सरकारी पैसा, जो हमारे यहाँ पर एक आईसीयू का व्यवस्था आज तक नहीं हुआ। जाकर रात को 12 बजे जाइए, जाकर देखिए, एक डॉक्टर तक आपको नहीं मिलता है, कभी कभी तो पेट का दवाई भी नहीं मिलता है, जो प्रिस्क्रिप्शन में दवाई लिखता है वो एक भी दवाई आपको हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं रहता है। इसीलिए मैं राजनीति शौक से नहीं उतरा हूँ, ये हमारे गरीब माँ बहन का कष्ट को देखते मजबूरन मैंने उतरा है और इसका आवाज को मैं विधानसभा तक ले जाने के लिए मैं उतरा हूँ। एक दो सवाल है कि तो एक घुसपैठियों के मामले को लेकर बड़ा चल रहा है, दूसरा चीज ये कांग्रेस संविधान बचाओ की बात कर रही है, तीसरा चीज ये जो यहाँ पर आलमगीर आलम मंत्री थे, कहा जा रहा है कि बीजेपी ने फंसा दिया है, 1 सिंपैथी वोट गेन करने की भी कोशिश की। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, मेरा चाची जी उस दिन रो रही थी, हम उसका सम्मान करते हैं, हमको भी दुख है, लेकिन हमारी जनता, हमारी माँ बहन 30 साल से जो रो रही है, उसका जो हम पैदल यात्रा में सबका घर घर जाकर आंसू पोसे हैं, उसका आंसू का क्या होगा? हमारे जनता कोई भी इमोशनल कार्ड में जाने वाला नहीं है, क्योंकि हम वो आज रो रही है और हमारे भाई बहन, हमारे माताएं 25 साल से आंसू रो रहे, वो खून का आंसू रो रहे हैं। तो 23 नवंबर को हमारा जनता इसका सही जवाब देगी। और हम जो बांग्लादेशी घुसपैठी वाला बात बोल रहे हैं, अगर यहाँ पर जितने भी हमारे मुस्लिम भाई, हिंदू भाई लोग है, किसी को किसी तरह से डरने का कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा और हमारे एनडीए सरकार का एक ही कहना है, जो विदेशी है, जो बाहर देश से आए हुए हैं, उनको डरने की आवश्यकता है। और हमारे यहाँ का जितने भी मुस्लिम भाई है, हिंदू भाई है, सब यही का है, किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। और कुछ दिन पहले जांच हो चुकी है, सीओ रिपोर्ट ने जांच रिपोर्ट हाईकोर्ट भेज दिया है, वहां स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यहाँ पर कोई भी विदेशी नागरिक अवसित
नहीं है, इस आवेदन को सुननी समझा जाए। लेकिन ये कांग्रेस वाला क्लियर नहीं करेंगे। अगर वो इतने ही हितकांक्षी है हमारे मुस्लिम भाई लोग का, तो वो तो 10 साल पावर में थे, काहे ने इसका समाधान किया, काहे ने हमारे मुस्लिम भाई लोग का पेपर को सही किया, काहे ने जगह जगह घर घर पर जाकर सबको कागज को सही किया। यहाँ पर तो सबका 1971 का दलील है, ऐसा कौन मुस्लिम भाई जिसका 1971 का दलील नहीं है। अगर उनको इतना ही दर्द होता, उतना ही मुस्लिम भाई लोग का अगर फिगर होता, तो उनको कागज पत्र सबको करना चाहिए था कि नहीं। आप एक गार्जियन, आप एक पिता है, आपको चिंता होती है कि नहीं कि अगर हम मर गए तो मेरा बाल बच्चा का हम LIC बना के रखे, मेरा बाल बच्चा के लिए हम शादी के लिए गहना बना के रखे, उसके लिए हम शादी का कुछ पैसा खर्च रखे, तो उसको भी तो डर होना चाहिए था कि आज हम पावर में है, क्योंकि जिंदगी में मौत और जीना ही तो जिंदगी का सिस्टम है। तो उनको भी तो चिंता होना चाहिए था कि अगर हमको कभी कुछ हो जाए तो हमारे मुस्लिम भाई लोग के लिए हम वो सिस्टम करके रखे कि किसी को कोई आकर डरा नहीं सके। तो उनका जिंदगी भर पैसा रहा है यहाँ का मुस्लिम भाई लोग को डरा के वोट लेने का, कभी NRC का डर दिखाएगा, कभी बांग्लादेशी का डर दिखाएगा। इसीलिए हमारा मुस्लिम भाई, हमारे जनता, इस बार इस सब चीज में भ्रमित नहीं होने वाला है। इस बार सिर्फ एक ही बात होगा, न धर्म पर न जात पर, सिर्फ वोट होगा विकास पर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आजसू के प्रत्याशी अजहर इस्लाम जी थे, और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाई न धर्म पर न जात पर, जो वोट होगा वो होगा विकास पर। कैमरामैन हीरालाल के साथ मैं मनीष कुमार वर्मा, न्यूज बायस्कोप के लिए पाकुड़। मैं SK मंडल अध्यक्ष, SK मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस पटना, आप समस्त देशवासियों को दीपावली एवं लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।